आप सभी को पता है कि इतिहास के पन्नों में बाघा जितने एक ऐसा नाम है जो कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के आन बान शान तीनों है जी। वही बाघा जितिन के ऊपर अब एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रहा है, वही बाघा जितिन के ऊपर एक फिल्म बनने जा रहा है, पूरे के पूरे फिल्म बनाने जा रहा है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। और जिस फिल्म के मुख्य किरदार यानी बाघा जितिन की जो किरदार निभाने वाला है वो है बंगाली फिल्म के सुपरस्टार देव, जो कि बाघा जितिन की कैरेक्टर को प्ले करने वाला है, जो कि बाघा जितिन के किरदार को निभाने वाला है। अब सभी को पता है कि हिंदुस्तान में बाघा जितिन एक ऐसा नाम है जिसको गर्व करने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बाघा जितिन एक ऐसा नाम है पूरे के पूरे बंगाल में, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान की छाती को चौड़ा कर देता है। उसी बाघा जितिन के ऊपर अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने जा रहा है, जो कि हमारे लिए और पूरे के पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत बड़े एक गर्व की बात है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बाघा जितिन की जो हिस्ट्री थे उस समय की, जो हिस्ट्री थे आजादी के समय की जो हिस्ट्री थे उस, इसमें पूरे के पूरे वही हिस्ट्री को दिखने वाले हो आप। बाघा जितिन फिल्मों में वही हिस्ट्री को दिखाने वाले हैं फिल्म के मेकर्स ने, फिल्म के डायरेक्टर ने, क्योंकि पता है आपको कि बाघा जितिन की जो डॉक्यूमेंट्री है, बाघा जितिन की जो मतलब जो बैकग्राउंड है, बाघा जितिन की जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर जो भी दिखने वाले आप पूरे के पूरे उस समय की आज़ादी के रिलेटेड, उस समय के हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बहुत सारे बाहर के देशों की जो लड़ाई हुआ था, जो झगड़े हुआ था, जो लफड़े हुआ था, कैसे हमारा भारत स्वाधीन हुआ था, कैसे उस समय में बाघा जितिन के जो महत्व थे आज़ादी को लेकर, पूरे के पूरे यही डॉक्यूमेंट्री को आप दिखने वाले हो इस फिल्म के अंदर, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म को पूरे के पूरे फिल्म को बनाया जा रहा है। और उसका लीड किरदार में देव तो है ही, उसके साथ बहुत सारे अच्छा कास्टिंग है, और उसी के दौरान जुटते हुए एक फिल्म के पोस्टर आ चुका है, एक नए लुक आ चुका है, जहां पर बाघा जितिन के लुक देखकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब यहां पर बाघा जितिन को बंगाल की टाइगर कहा जाता है, मतलब बंगाल की टाइगर को जो उपाधि मिला था बाघा जितिन को, वो भी इसमें शामिल है। और सच में यार वो एक टाइगर थे, वो बंगाल के एक टाइगर थे। और इसके दौरान इस फिल्म में जो कहानी दिखने वाले हो आप, पूरे के पूरे एक्साइटेड है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग एक्साइटेड है। हालांकि ये फिल्म बंगाली भाषाओं में रिलीज होने वाला है, मुझे पता नहीं इस फिल्म के जो पैन इंडियन फॉर्मेट में रिलीज करना चाहिए कि नहीं, इस फिल्म को हिंदी भाषाओं में रिलीज करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने बड़े एक प्रोजेक्ट को सिर्फ बंगाली मूवी सुपरस्टार देव ने, बंगाली फिल्म के जो मेकर्स है वो लोग सिर्फ और सिर्फ बंगाली में, बंगाली लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं रिलीज ना करें, इसके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी इसको रिलीज किया जाए। आपका क्या राय है आप मेरा कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि बाघा जितिन की जो हिस्ट्री है, उस समय की जो हिस्ट्री है, ऐसा फिल्म बनना चाहिए और ऐसा फिल्म की जो हिस्ट्री है वो बाहर आनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मेरा कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बाघा जितिन की ये जो नया लुक आया है, मतलब सुपरस्टार देव, बंगाली सुपरस्टार, बंगाली मूवी सुपरस्टार, बंगाली फिल्म सुपरस्टार देव की जो ये नया लुक आया है, ये लुक काफी खूंखार और काफी खतरनाक टाइप के लुक है। आपको इस लुक को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि सच में यार ये बंगाली टॉलीवुड सुपरस्टार देव है या कोई वॉर है। कुछ महीने पहले जब बाघा जितिन फिल्म के जो एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया था, एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिलीज किया गया था, तब उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि उस समय के आज़ादी के जो थे, गांधी जी के समय के आज़ादी के जो समय थे, उस समय के पूरे हिस्ट्री को दिखने वाले हैं अब इस फिल्म के अंदर। बाकी ऑडियंस, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। हालांकि इस फिल्म को आने में अभी भी देर है, मुझे पता नहीं ये फिल्म का टीज़र और ट्रेलर या कोई नेक्स्ट पोस्टर कब आएगा, लेकिन इसका जो मोशन पोस्टर, लेकिन इसका जो फाइनल पोस्टर वो तो रिलीज़ हो ही गया है बहुत ज़्यादा पहले, बहुत ज़्यादा दिन पहले इसका पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया गया था। तब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको जो मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और उसी के रिलेटेड चलते हुए जब इसका जो लुक आया है, इस लुक के ऊपर जब मैंने अब लोगों को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि सच में यार जब इन लोगों ने बाघा जितिन को इतना ज्यादा सपोर्ट किया, उस समय बाघा जितिन के जो किरदार थे, जो भूमिका थे उस समय में आजादी को लेकर, तो आई होप बंगाली फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। और उसके साथ साथ ये फिल्म सुपर डुपर हिट, जो मतलब नेक्स्ट लेवल की एक फिल्म बनने जा रहा है यार, सच में यार इस तरीके की हिस्ट्री, इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ज़रूर बनाना चाहिए मूवी के नाम पर। पूरे के पूरे देशवासियों के जो लोग शहीद हुए थे, जो लोग अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए जान गंवाए थे, उन लोगों का हिस्ट्री, उन लोगों का बैकग्राउंड सामने आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मेरा कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बाघा जितिन के इस नए मोशन पोस्टर, नए लुक को लेकर आपको क्या कहना है आप मेरा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, ताकि सबको पता चले कि बाघा जितिन नाम की जो डॉक्यूमेंट्री बनने जा रहा है वो किस तरीके की एक नेक्स्ट लेवल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म साबित हो सकता है। मिलते हैं बॉक्स ऑफिस के कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। खोटा खोटा बात बन ना।
है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा।